वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजुदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 7.2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल फ्रॉम क्लास 9 मैथमेटिक्स NCERT। क्वेश्चन नंबर 5, द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। वाट इज द मीन ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट? इन एनी ट्राइंगल इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल आर नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, जब अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात ही करिए तो थोड़ा और सीख लेते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्सो इक्वल। That means opposite sides are equal. Okay, student. Such that let we consider triangle ABC in which angle B will be equal of angle C, such that we can say AB equal to AC. दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ, if AB equal to AC, that means angle B will be equal of angle C. Okay, student. Sides are equal, that means angles are equal. Angles are equal, that means sides are equal. Now, we have to prove angle ABD. Angle ABD will be equal of ACD. Okay, student, we have to prove this angle will be equal of this. Angle APD will be equal of ACD. ध्यान से देखिए student. First one, solution. Simple solution, student. In triangle ABC, we know that by use of the property of isosceles, we know that AB will be equal of AC. And in triangle BDC, angle, ध्यान से सुनिए, BD will be equal of DC. First one student, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC बोथ आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो वी कैन राइट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सच दैट वी कैन राइट. स्टूडेंट, मैं इसका नाम दे देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इन ए ट्राइंगल धीस इफ टू साइड्स आर इक्वल, सच दैट एंगल 1 विल बी इक्वल ऑफ एंगल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड इन ए ट्राइंगल BDC इफ टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो वी कैन राइट एंगल 3 विल. स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS विल बी एडेड विद द LHS एंड RHS विल बी एडेड विद द RHS. ओके स्टूडेंट, 1 + 3, दैट मीन्स एंगल ABD, 1 + 3 विल बी इक्वल ऑफ एंगल ABD एंड 2 + 4 विल बी इक्वल ऑफ ACD. ओके स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड. ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार क्वेश्चन को, क्या बोला है क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC बोथ आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स corresponding angles will be equal. Again, in a triangle BDC, opposite sides are equal, that means corresponding angles are equal. So, adding equation number first and second, that means LHS plus LHS and RHS plus RHS. So, 1 plus 3 equal to ABD, 2 plus 4 will be equal of ACD, hence proved. Student, now we are taking the next question, question number 6. In a triangle ABC is a isosceles triangle in which AB equal to AC, AB will be equal of AC. Student, this part will be equal of this, that means this angle
विल बी इक्वल ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखते चले एक एक चीज को। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ये जो साइड है बी ए, इससे एक नई लाइन बना रहे हैं डी, सच दैट ए डी इक्वल टू डी बी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए डी will be equal of DB, AD equal to DB, ये नहीं होना चाहिए, AD will be equal of AB, this part will be equal of this, show that angle BCD, we have to prove angle BCD will be equal of 90 degree, student to prove, मुझे क्या prove करना है, angle BCD is a right angle such that angle BCD will be equal of 90 degree. Student solution देखिए, in triangle ABC first one, this side will be equal of this, AB equal to AC such that we can write angle 1 equal to angle 2, equation number first. इतना समझ आया, ये दोनों आपस में क्या है, equal है, तो इनके corresponding angles भी क्या होंगे, equal होंगे. Now student, AD equal to AB and we know that AD equal to AB. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, AD will be equal of AB. But already I told AB equal to AC. तो AB replace by the AC. Since we know that AB will be equal of AC, so we write AD equal to AC. बिल्कुल confused मत होना स्टूडेंट, मैंने बोला है ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली ये भी आपस में इक्वल है. ठीक है, राम श्याम का ब्रदर है और राम मोहन का ब्रदर है, मतलब राम श्याम मोहन तीनों आपस में ब्रदर हो सकते हैं. यस और नो, ए बी इक्वल टू ए सी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, बट आई टोल्ड ए बी ऑल्सो इक्वल टू ए सी, तो मैं बोल सकता हूँ ए डी भी ए सी के इक्वल होगा, दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ दिस. फिर से देखिए इस ट्राइंगल में, टू साइड्स आर इक्वल सच दैट वी कैन से एंगल 3 विल बी इक्वल ऑफ एंगल 4, सच दैट वी कैन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ओके, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिए. मैंने बोला है इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू 2, इन दिस ट्राइंगल ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है, वी हैव टू प्रूव एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री. इन ट्राइंगल बी सी डी द सम ऑफ ऑल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180. स्टूडेंट एंगल बी दैट मीन्स 1, एंगल सी मतलब 2 प्लस 4, ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 4, एंड एंगल डी दैट मीन्स 3. ध्यान से देखिएगा जो मैं करने वाला हूँ, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे इस वाले एंगल को ऐसा ही रखना है. ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर बोला है 2 एंड 1 बोथ आर सिमिलर, दैट मीन्स 1 रिप्लेस बाय 2, सिमिलरली ये ऐसे ही रखें, एंड 3 विल बी इक्वल ऑफ 4. ओके स्टूडेंट, सो 2 प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2, 4 प्लस 4 दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 4. ओके स्टूडेंट, 2 को हमने यहाँ से कॉमन निकाला, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल ऑफ 180. ठीक है, 2 इसके इनटू में सामने वाले के डिवाइड में, सो वी गेटिंग एंगल 2 प्लस 4 इक्वल टू 90. 2 प्लस 4 दोनों मिलके क्या बना रहे, बी सी डी, सच दैट
वी कैन राइट एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री. फिर से एक बार देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दी साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स बोथ एंगल्स आर इक्वल. ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल. यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल. ओके स्टूडेंट, बस इतना कर लीजिए. एंगल वन इक्वल टू टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू फोर. नाउ एंगल बी सच दैट वन रिप्लेस बाय टू, वन रिप्लेस बाय टू एंड थ्री ऑल्सो रिप्लेस बाय फोर. ओके स्टूडेंट, टू प्लस टू, टू टाइम्स टू, फोर प्लस फोर, टू टाइम्स फोर, टू एज अ कॉमन फैक्टर, सो वी गेटिंग टू प्लस फोर इक्वल टू 180. ये इसके इंटू में सामना लेके डिवाइड में, सो फाइनली वी गेटिंग एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री. सच दैट वी कैन से बी सी डी इज अ राइट एंगल. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. व्हाट इज द मीन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल? दैट मीन्स वन एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड ए बी विल बी इक्वल ऑफ ए सी. ए बी will be equal of AC, then find angle B and angle C. Students, simple solution. In triangle ABC, first one angle A equal to 90 degree and AC will be equal of AB. स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स क्रोसपोंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल सच दैट वी कैन राइट एंगल बी विल बी इक्वल ऑफ एंगल सी. बट वी नो दैट वेरी वेल द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए विल बी इक्वल ऑफ 90 एंड बी एंड सी बोथ आर सिमिलर सच दैट पॉजिटिव कन्वर्ट इंटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. सो फाइनली वी गेटिंग टू एंगल बी इक्वल टू 90 सच दैट बी विल बी इक्वल ऑफ हाफ ऑफ 90 दैट मीन्स 45. सिमिलरली so b will be equal of c such that c equal to 45. okay student, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइव एंगल बी एंड एंगल सी, सो एंगल बी एंड सी बोथ विल बी इक्वल ऑफ 45. नाउ वी मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री. वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री इन द केस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. लेट वी कंसिडर ए बी सी इज अ इक्विलेटर ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. ए बी विल बी इक्वल ऑफ बी सी विल बी इक्वल ऑफ सी ए. स्टूडेंट ध्यान से देखना, ए बी इक्वल टू बी सी दैट मीन्स क्रोसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. बी सी इक्वल टू सी ए दैट मीन्स क्रोसपोंडिंग एंगल इज इक्वल सच दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. पहली बात आपको समझ आई, ऑल साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी द सम ऑफ ऑल एंगल will be equal of 180 such that all angles are equal. Yes or no? So 3 times angle A equal to 180 such that 60 degree. So we can say B also 60 and C also 60 degree. I hope student you are getting the all solution related to questions of exercise number 7.2 up to question number 1 to question number 8. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajuda. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel, and please study from our channel. Thank you so much.